कांटों पे चलने कहोगे तो कांटों पे चल दूंगा, चाहे चीर दो मुझे पर कफन तिरंगा ही देना, पर कफन तिरंगा ही देना। इंडियन आर्मी से मेजर अभिराज, ये मेरी डायरी की नहीं कुछ आखिरी पन्नों की कहानी है। मैं राजस्थान के तानोट में पोस्टेड था। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं होती। बॉर्डर में से सिर्फ 500 मीटर दूरी पे थी। मैं बोरी से बने एक बंकर में रहता। यहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता। मैं बैठा हुआ उसके बारे में सोच रहा था, स्कूल डेज के बारे में। हाँ, अब हम बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता, पर न जाने क्यों वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं छुट्टियों का इंतजार कर रहा था कि घर जाऊंगा तो उससे मिलूंगा। मेरे पास उसकी एक फोटो है, उसी को देख रहा था कि अचानक से एक 7.62 mm की गोली उसकी चीथड़ी उड़ाते हुए मेरे सीने के पास लगी। ये गोली बॉर्डर के उस पार से आई थी। अचानक से आवाज आई, सर सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है। मुझे गोली लगी थी, मैं दर्द में था, फिर भी मैंने ऑर्डर दिया कि सीज फायर का जवाब दो। हमने जवाब दिया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ ज्यादा ही स्वेलिंग होने लगी। मैंने हेडक्वार्टर से कहा, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, मेजर आगे बढ़ो और जवाब दो। मैंने जवानों से कहा, आगे बढ़ो और मुंह तोड़ जवाब दो। इतने में कैप्टन विजय ने कहा, सर आपको गोली लगी। मैंने कहा, पर फिर भी मैं जवाब दूंगा। हम हाथों में गन्स लिए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से मुझे एक और गोली लगी मेरे कंधे। इस गोली ने मुझे घर की याद दिला दी। मुझे आंसू आ रहे थे, लेकिन मुझे डर था। मुझे पता था कि मेरे पीछे मेरा देश खड़ा है। मैं आगे बढ़ा, अचानक से एक गोली और चली, मैं झुका। पीछे से आवाज आई, भैया। मैंने पीछे मुड़के देखा, देखा कि कैप्टन विजय के सीने के पास गोली लगी थी और वो दम तोड़ रहा था। मैंने विजय से कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कहा, सर बस मेरी माँ को मत बताना, और उसने वहां पे दम तोड़ दिया। मैं और गुस्से में आगे बढ़ा और मुझे दो और गोलियां लगी। इन गोलियों ने मुझे सब चीज की याद दिला दी। ऑर्डर आया, मेजर पीछे हट जाओ। मैंने जवानों से कहा, पीछे हट जाओ। सब पीछे चले गए थे, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। मुझे चार गोलियां लगी, जमीन पे पड़ा। हर गोली का दर्द मुझे सब कुछ याद दिला रहा। माँ के हाथ का खाना, बहन की लड़ाई, पापा की मार, मोहब्बत की बातें, मेरा सारा परिवार मुझे याद आ रहा। वायरलेस पे हेडक्वार्टर से कहा कि मेजर आप वापस क्यों नहीं आए। मैंने कहा, सर मेरा एक काम करिए, विजय के घर वालों को कभी मत बताइएगा कि वो नहीं, और मेरे घर में भी मत बताइए, मेरी माँ टूट जाएगी। इकलौता लड़का जो मैं बेहोश हो गया। करीबन 8 घंटे बाद मेरी नींद खुली। समय को 4 बज रहे थे, तब की धूप में मैं अंदर से जल चुका था। मेरे जख्म और गहरे हो गए थे। मैंने नजर उठाई और देखा कि मैं इंडिया से करीब 100 मीटर की दूरी पे था। मैंने वायरलेस किया, बेहद दर्द में कहा कि सर मैं अपनी आखिरी सांस हिंदुस्तान की जमीन पे लेना चाहता हूँ। हेडक्वार्टर में सब मुझे सुन सकते थे, लेकिन मदद करना नामुमकिन था। मैंने सर से कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्यास लग गई, और मैं बस दुआ कर रहा था कि अब ये मौत जल्दी आ जाए। हेडक्वार्टर में सब मायूस थे। बस मैंने वायरलेस पे कहा कि अब तो किस बात का है कि जिस तिरंगे को अपने ऊपर ओढ़ने के लिए मैं फौज में आया था, आज उस तिरंगे से 100 मीटर दूर ही मर जाऊं। करीबन 13 घंटों बाद मुझे गहरी नींद आई। हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब सब शांत है, मानो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ के पैरों पे लेटा हुआ। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छप रही कि कैप्टन और मेजर नहीं रहे। हेडक्वार्टर में हल्ला हो रहा था कि ये खबर मीडिया में कैसे गई।
मेरा परिवार टूट चुका था। मेरी माँ ने बस इतना कहा कि मुझे उसका चेहरा दिखा दो, लेकिन कुछ चीजों में ना मीडिया हद कर देती है। किसी और के परिवार की उनको परवाह नहीं होती। टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते। जय चले राहों में।